सीधे मुड़े हाजरीन मजलिस जनाब सरपंच साहब और फिक्र हजरात, मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी सड़क का उद्घाटन किया है, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि डीसी साहब ने जिन्होंने हमारी इतनी हालत, सबका शुक्रिया हम अदा करते हैं, और सरपंच साहब ने जितना कुछ हमारे लिए किया है और सबसे बढ़ चढ़ कर किया है। हमारे पिछले 7 दहियों से हम जो है ना महरूम थे इस रोड से, लेकिन मेहरबानी इनकी कि जिन्होंने हमारे लिए पूरी अपनी पूरे जोर लगाकर इस सड़क को सेंक्शन करवाया है, और हमारी जो NOC है उसमें डीसी साहब ने हमारा बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। लाखों दर्शन हुए तो यही कहते रहे सावनी में रोड आएगी, लेकिन आज दिन तक किसी ने ये रोड नहीं दी है। शुक्रिया इस समय इस सरपंच का दहन हुआ तो ये रोड आज इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो गया। ताहिरा साहब का शुक्रिया बहुत बहुत है। सामने वाड़ा रोड की इनॉग्रेशन किया, इसमें पूरा पूरा डी साहब का तावन की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये रोड जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से रुकी हुई थी, और इसमें काफ़ी चीज़ों की मुश्किलें आ रही थी, लेकिन डी साहब की कोशिशों की वजह से और RNMP के जितने भी डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैं उन सबकी कोशिशों की वजह से आज हमने इस रोड की इनॉग्रेशन की है। ये रोड लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दूर दराज एरिया जात में रहते थे और उनके पास रोड कनेक्टिविटी कोई नहीं थी, जिससे उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। तो अब इस रोड की वजह से इन लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं एक बार फिर से डी साहब का भी और LP सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।